स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 में शिथिलता को लेकर संघर्ष जारी है। साथ ही कई अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग भी है, साथ में कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है कई प्रश्नों पर। तो उसके बाद रिजल्ट दोबारा आएगा और रिजल्ट दोबारा कब तक आ सकता है, ये भी अभ्यर्थियों के प्रश्न हैं। तो इन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कोर्ट में फैसले के बाद परिणाम दोबारा आएगा और कोर्ट में फैसला जो है आपको जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पेपर में, पेपर वन और पेपर टू में कई क्वेश्चन हैं जिन पर याचिका लगाई गई है कोर्ट में। पेपर वन में एक क्वेश्चन है और पेपर टू में 3 से 4 क्वेश्चन हैं। इन याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन को गलत ढंग से डिलीट किया गया है या उसके ऑप्शन को गलत तरीके से बदला गया था। तो इसको लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई है और कोर्ट के द्वारा इस पर फैसला तुरंत आएगा, जिसके बाद आपका रिजल्ट दोबारा आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे कई अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। वे अभ्यर्थी जो अभी 38-39 नंबर पे हैं, जिनके ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, यानी कि जो फाइनल आंसर की आई उसमें ये क्वेश्चन उनके गलत हुए हैं, तो उन्हें यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा और उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने की उम्मीद है। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर डीवी का शेड्यूल आपका 15 से 20 अक्टूबर तक आने की उम्मीद है, और उम्मीद ये भी है कि इससे पहले ही कोर्ट का फैसला आ जाएगा और साथ में कई अभ्यर्थी और भी चयनित यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो 15 से 20 अक्टूबर तक आपका डीवी शेड्यूल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगर कोर्ट के फैसले के कारण डीवी शेड्यूल रुक जाता है तो इसमें तारीख आगे बढ़ सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो 15 से 20 अक्टूबर तक आपका डीवी शेड्यूल जारी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो चयनित अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज पूर्ण कर लेने हैं, यानी कि वे अभ्यर्थी जो कि लिस्ट फर्स्ट में शामिल हो चुके हैं, यानी कि जिनका चयन इन 70% कैंडिडेट में हुआ है, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर लेने हैं। क्योंकि यहाँ पर वे अभ्यर्थी जिनका चयन हो चुका है, एक तरीके से ये मानिए उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, अगर उनके डॉक्यूमेंट कम्प्लीट है। अगर उनके डॉक्यूमेंट कम्प्लीट नहीं है तो वो यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें रिजल्ट जो उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट होता है, या एक तरीके से उनकी जो ग्रेजुएशन होती है, वो अगर कंप्लीट नहीं हुई होती है तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है, या फिर उनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी उनको बाहर किया जा सकता है, या फिर उन्होंने जिस कैटेगरी से अप्लाई किया था उस कैटेगरी में अगर वो नहीं है तो भी उन्हें बाहर किया जाता है। तो ये 3 कारण हैं जिसके कारण उन्हें बाहर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जितने भी अभ्यर्थी होंगे उन सबका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात आती है यहाँ पर शिथिलता की, तो शिथिलता की मांग अभी भी जारी है। और आप एक बात लिख के ले लीजिए कि चाहे समय ज़्यादा लग जाएगा, यानी कि शिथिलता मिलने में अगर समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन फिर भी आपको शिथिलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर सरकार और बोर्ड के द्वारा या सरकार के द्वारा नई विज्ञप्ति जारी करने का यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो भर्ती है काफ़ी मेहनत के बाद लाई गई थी, इसके बाद भी यहाँ पर जो है दूसरी बार विज्ञप्ति जारी होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की मांग है कि शिथिलता देते हुए यहाँ पर सभी पदों को भरा जाए, तो इसे ज़रूर माना जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ समय लग जाए, 2 से 3 महीने लग जाए, लेकिन ये बात है कि आपको शिथिलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आपको इसके भरोसे नहीं बैठना है। शिथिलता मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, इससे कई अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा, लेकिन आगे आने वाली भर्तियों की भी आपको तैयारी ज़रूर करनी है। आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छी अच्छी भर्तियाँ आई हुई हैं जिनकी विज्ञप्ति निकल चुकी है, तो उनकी आपको ज़रूर तैयारी करनी है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में शिथिलता को लेकर आप एक तरीके से ये मान लीजिए शिथिलता आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको आगे की भी तैयारी करनी है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ में जो भी आपकी राय है, जो भी आपकी पॉजिटिव राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई नेगेटिव राय है तो उसे लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।